हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अगेन आज का वीडियो आपके बालों को लंबा काला मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। और आज की रेमेडी की सबसे खासियत ये है कि आपके स्कैल्प को क्लीन करने में आज की रेमेडी बहुत सुपर्ब है। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करनी है हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स का हमेशा से ही क्वेश्चन होता है कि गर्मियों में हमारी पसीना स्कैल्प में बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे चिपचिपाहट आ जाती है, डैंड्रफ हमें बहुत रहता है। जैसे ही सीजन चेंज होता है या गर्मियाँ आती हैं, हमारे स्कैल्प बहुत ख़राब हो जाता है। तो अगर जब तक स्कैल्प आपका क्लीन नहीं होगा, तब तक आपके बाल ना तो लंबे हो पाएंगे ना ही घने हो पाएंगे, और आपके बालों में ग्रे हेयर और वाइट हेयर की समस्या हमेशा रहेगी। तो दोस्तों अगर आप प्री मेच्योर आपके बाल ग्रे हेयर और वाइट हेयर की समस्या फेस कर रहे हैं, तो आज इन दो चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कर लीजिए। दोनों की दोनों आपके किचन में अवेलेबल होंगी। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से लेना है और अपने स्कैल्प में प्रॉपरली अपने स्कैल्प को क्लीन करके, यानी कि बालों को वॉश करने के बाद आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने स्कैल्प में करना है। बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, मजबूत भी होंगे। अगर आपको मेरे पहले बाल पता होंगे, मेरे पहले पुराने वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, तो मेरे बाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक थे। बट राइट नाउ मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बाल मेरे बहुत लंबे हो गए हैं, मजबूत भी हैं एंड घने भी हैं। सो दोस्तों अगर आप भी मेरे इस नेचुरल और इजी से मेथड को फॉलो करोगे और अपनी रूटीन में शामिल करोगे, तो स्टूडेंट्स बड़े चाहे छोटे कोई भी हो, आपके बाल ना तो कभी आपका स्कैल्प इरिटेशन आपको कभी भी होगा, ना ही आपके बाल जो हैं वो कभी भी ग्रे होंगे, और इसके अलावा आपके बाल बहुत बढ़िया बन जाएंगे। तो अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके बाल टूटते और झड़ते बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी दो चीज़ें हैं जो रामबाण है और नेचुरल हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो अदरक है, जिंजर हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होता है, आपने अदरक को काट के मिक्सी में चलाकर इसका जूस निकाल लेना है। उसके बाद इसको छन्नी से छान लीजिएगा। वो जूस आपने एक चम्मच लेना है, आप एक से दो चम्मच उसको ले सकते हो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। और इसे पूरे बालों में अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ स्कैल्प में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम कटोरे में एक चम्मच जिंजर जूस निकाल लेंगे। जिंजर जूस जो है, यानी कि अदरक का जूस, हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्टिमुलेट करता है हेयर फॉलिकल्स को, बालों को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। जिंजर कंट्रीब्यूट करता है हमारे बालों को स्ट्रेट करने में भी। दोस्तों इसके अलावा हेयर लॉस को दूर करता है, रीस्टोर करता है, मॉइस्चराइज को लॉक करके रखता है बालों में। एंड इसके अलावा जो जिंजर है, ये बालों को हेयर ग्रोथ में तो हेल्प करता है, जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो बाल काले भी रहते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, फास्फोस, पोटाशियम भी है, मिनरल्स भी हैं। दोस्तों इसमें मैग्नीशियम भी है, फास्फोस भी है, और इसमें पोटाशियम भी होता है, जिस वजह से स्कैल्प क्लीन होता है और हमारे बाल नेचुरली। अब दोस्तों एक चम्मच हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे, जो हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं जो बालों में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, बालों को हेल्दी करने में। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। ये बालों के ब्रेक होने को रोकता है, रिड्यूस करता है ब्रेकेज को, और एलोवेरा इफ़ेक्टिव होता है हमारे बालों को कंट्रोल करता है, हेयर फॉल को क्लीन करता है, हमारे स्कैल्प को। दोनों को अच्छे से मिलाकर बालों में आपने स्कैल्प में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है, और आपने इसे कम से कम 20-30 मिनट तक रखना है, फिर बालों को वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी का यूज़ करना है अगर आप अपने बालों को हेल्दी, सॉफ्ट, स्मूथ एंड लॉन्ग करना चाहते हैं। ये बहुत ही नेचुरल मेथड है अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक बनाना चाहते हैं। तो काले बालों के लिए आप इतना ये दो चीज़ें तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो अच्छे से आपने मसाज करनी है, 30 मिनट तक बालों में रखना है, बालों को वॉश कर लीजिए, बाल नेचुरल तरीके से लंबे, घने, मजबूत एंड हेल्दी होंगे। सो एवरीबॉडी, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी आप नए वीडियो में नए नए टिप्स के साथ, नई होम रेमेडी के साथ। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। मेरे व्लॉग्स पढ़ने और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।